अब हम इस कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे, किस तरह से इस कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एक सॉल्व करने की एक ट्रिक है, जब भी क्या होगा इस फॉर्म में आपको कैपेसिटर मिलेगा, समझ लेना ये क्या है, व्हीट स्टोन वाला, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो उसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, कंडीशन है C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, ठीक है। बैलेंस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमें, इसके लिए व्हीट स्टोन के लिए, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना जो इलेक्ट्रिसिटी में पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो C1 कितना हमारे पास, C1 इज 5 एंड C2 इज 10, कितना है 10, C3 कितना है 2 और C4 कितना है 4। तो ये 1/2 आ रहा है ना, दोनों इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब देखो इसको कैसे बना देना है, ठीक है। अब हम इसको इजी फॉर्म में कर देंगे। अब व्हीट स्टोन ब्रिज हमें पता है उसका डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है। देखो बीच वाला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जो C5 हो वो बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, क्या बैलेंस, उसको हम हटा देंगे। अब क्या करेंगे, हटा देंगे तो हमारा ब्रिज कुछ इस तरह बन जाएगा, जो C5 वाला था वो टर्मिनल हट चुका है क्योंकि ब्रिज इज बैलेंस, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इन दोनों का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो अब हमें पता है ये क्या है, C1 एंड दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4, ये समझ में आ गया। अब देखो कैसे करना है इसको, अब देखो इसको कैसे करना है, ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइक्रो फैरेड, दिस इज 10 माइक्रो फैरेड एंड दिस इज C3 क्या हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 माइक्रो फैरेड C4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तो सीरीज में ना, C1 एंड C2 इज इन सीरीज एंड C3 एंड C4 इज इन सीरीज। तो पहले हम क्या करेंगे, C1 और C2 को कर देंगे, C1 और C2 क्या सीरीज में, क्या सीरीज में, पहले इसको सॉल्व कर दें। तो C1 सीरीज में, तो C1 5 + 1/10, तो उसको सॉल्व करें, 10 × 2 ये जगह 2 3/10 जगह 10, ठीक है, LCM इतना आ गया, ठीक है। तो इसका जो आ गया हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 3/10 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 10/3, क्या जाएगा 10/3। वैसे क्या करेंगे, C3 एंड C4 को सॉल्व करेंगे, सीरीज C3 एंड 4 1/C3 + 1/C4 इक्वल्स टू 1/C3 जो हो जाएगा वो 2 माइक्रो फैरेड प्लस C4 1/4 माइक्रो फैरेड। तो उसके एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, ये जाएगा कितना 3/4, डेट इज इक्वल्स टू 3/4 = 4/3 जाएगा 4/3, इतना समझ में आ गया, 4/3 ये हो गया। अब भी क्या जाएगा, कुछ इस तरह से सीरीज हो जाएगी, क्या जाएगी, C1 2 और C3 4, कुछ इस तरह से आ जाएगी ना, पैरेलल आएगा, क्या जाएगा, पैरेलल आएगा, ये इसमें इंटरसेक्शन है, तो C1 2 और C3 4 हमने निकाल दिया, अभी पैरेलल आ गया, तो हम पैरेलल सॉल्व करेंगे, पैरेलल इक्वल्स टू पैरेलल, तो C1 2 3 4, तो C1 2 + C3 4 डेट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये 10/3 + 4/3 डेट इज इक्वल्स टू 14/3 और ये जाएगा 3 4 = 12 + 2 3 6 = 18 और ये 7 जो ये आंसर हमारा आ गया। तो ये सॉल्व करने का सब तरीका है, ठीक है।